तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आज देखिए हम जगन्नाथ जी के मंदिर में पुनः उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग का प्रसाद आज लगाया गया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो 56 भोग का जो प्रसाद लगाया गया है उसका पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। कंटिन्यू बने रहिए। और आज जो हरि कथा भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर प्रांगण में चल रहा था विगत 7 दिन से, आज उसका अंतिम दिवस था यानी आज संपन्न हुआ है कथा। उसके पश्चात देखिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, तो सभी लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। तो फिलहाल अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद जो 56 भोग का प्रसाद लगाया गया उसका व्यू दिखाते हैं। बताते साथियों कि यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग का जो प्रसाद लगा है उसको व्यू दिखाते हैं आप सभी को। रहते भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो 56 भोग का प्रसाद लगा है, फिर उसके बाद देखिए भगवान श्री राम जी का यहाँ पे भी भव्य श्रृंगार आज किया गया है। भगवान श्री राम जी का भी राम दरबार, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रांगण में श्री राम दरबार जी भी हैं। का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे, विष्णु जी विराजमान हैं इस पावन प्रांगण में, भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन प्रांगण में। तो इनका विभव श्रृंगार आज देखिए हुआ है और ठीक बगल में बजरंगबली विराजमान है। भोलेनाथ भोलेनाथ जी का भी आज भव्य श्रृंगार इस मंदिर प्रांगण में हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक सामने बजरंगबली कलयुग के अमर देवता इनको माना जाता है, वो भी विराजमान है। गणेश जी महाराज, माता सिद्धिदात्री देवी जी और श्री शंकर पार्वती जी। तो चलिए हम आप सभी को आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य जो आज 56 भोग का जो प्रसाद लगाया गया है उसका आज हम सभी को एक व्यू दिखाने के प्रयास किए भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर रासमंडल से। तो आप सभी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन भक्तों तक वीडियो पहुँचाने का काम करें ताकि वो लोग भी दर्शन कर सकें जो लोग इस मंदिर प्रांगण नहीं आ पाए हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी देखिए नन्हे मुन्ने से देखिए छोटे छोटे भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति यहाँ पे भी रखे गए हैं जो आप देख रहे हैं मुझे। तो चलिए तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री जगन्नाथ।